अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, पिछला टॉपिक जो था वो हमारा इक्विपमेंट में ऑडियो जनरेटर था। आज जो हमने प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है वो है आरएफ जनरेटर, यानी आरएफ रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर है। पहले मैं आपको इस आरएफ फ्रीक्वेंसी जनरेटर के बारे में बता दूं, ठीक है, कि आपके सामने ये है एक सिग्नल जनरेटर लिखा हुआ है, किस कंपनी का है, नोड स्टार कंपनी का है, ठीक है। तो ये है आरएफ यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर है। इसकी जो फ्रीक्वेंसी वो क्या बता रहा है कि वो कहाँ से जनरेट करते हैं, वो फ्रीक्वेंसी जो है 100 किलो हर्ट्ज से लेकर 150 मेगाहर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। उसमें फिर ये आपको बताता है कि ये लोड स्टार का कौन सा मॉडल है, उसमें बता रहा है SG41608, ठीक है, ये इसका मॉडल हो गया। अब हमने देखना है कि इसके अंदर कितने सेलेक्टर हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि ये ए सेलेक्टर, बी सेलेक्टर, सी और डी, ई और एफ, यानी कितने सेलेक्टर हो गए आपके पास, ए बी सी डी ई और एफ। अब इसमें ये देखा होगा आपके सामने, ये देखिए ये रेंज लिखी हुई आ रही है ए। अब ए पता है आपको, यहाँ से वो बता रहा है कि वो 100 से लेकर 3.0 है, यानी आपका 100 यहाँ से शुरू हो रहा है, 100 से लेकर 3.0 यहाँ तक आ गया, ए ये आ गया। बी आपका बता रहा है 3.0 से लेकर आपको कितने बता रहा है, 100 तक, ठीक है। अब अगला जो है, यानी ये यहाँ से 300 से लेकर यहाँ पर 100 तक आ गया। उसके बाद सी आपके पास आ गया, तो यानी ये एक रेंज है, यानी कहाँ से है रेंज, किलो हर्ट से लेकर मेगा हर्ट्स में ये आपकी रेंज बता रहा है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ये आ जाए तो ये XTL है, ऑसिलेटर है या एक्सटेंशन मोड है, यानी आप इसको जिस भी देखेंगे आप इसको दोनों मोड में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये इसकी आउटपुट है जो आपको ब्लू कलर की बता रहा है, और ब्लैक कलर की आपकी इनपुट है, ये ब्लैक कलर की आपकी इनपुट है और जो ब्लू कलर की है वो आपकी आउटपुट है। अच्छा जी, ये फाइन ट्यूनिंग कॉल, ये जरा आप इसको जरिए, यानी आपकी जो वेव जो है वो अप एंड डाउन आ रही है रेटिक्यूल में, तो उसको आप फाइन ट्यून कर सकते हैं। अच्छा जी, उसमें फिर आपके क्या है, एटेन्यूएटर। एटेन्यूएटर क्या चीज़ है, एटेन्यूएटर जो होते हैं वो हम उसमें, यानी ऐसे सर्किट्स हैं जो मुख्तलिफ कैपेसिटर से मिलकर बने हुए होते हैं, उसमें से जो उसकी आउटपुट आ रही है तो उसकी एटेन्यूएटर कहलाती है। तो जो आप ये देखेंगे कि इसकी एटेन्यूएटर जो है वो हाई है और लो है, ठीक है, तो इसको हाई और लो के जरिए आप इसको फाइन कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हमने देखना है ऑसिलोस्कोप के ऊपर। अब हम ये देखें कि ऑसिलोस्कोप के ऊपर ये एक फ्रीक्वेंसी आ गई, अभी मैंने ए किया हुआ है। अब ए की जो रेंज है वो 100 से लेकर 3.0 तक की है, 3.0 यानी 100 हर्ट्ज से लेकर 3 किलो हर्ट्ज तक की है। अब आप देखेंगे तो ये जो अब जो फ्रीक्वेंसी आपके पास आ रही है यहाँ पर ए पर है, और मैंने इसको सेलेक्ट किया हुआ है 600 पर, ठीक है, यहाँ पर 200 पर आया हुआ है। अब मैं क्या करूँगा कि जब मैं इसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाऊँगा तो क्या होगा, इसका टाइम पीरियड कम और ज़्यादा होगा। अब ये देखिए कि इसको मैं मैक्सिमम पे लेकर जाता हूँ तो जाहिर बात है टाइम पीरियड इसका क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ये देखिए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसका मैं सेलेक्टर स्विच का इसका किलो हर्ट्ज़ को मैं बढ़ाता हूँ, यानी ए से मैं बी की तरफ जाता हूँ, ए से मैं बी की तरफ जाता हूँ, ये देखिए। जब आप ए से मैं बी की तरफ जाऊँ तो फ्रीक्वेंसी और बढ़ गई है, और उसका बढ़ने से टाइम पीरियड क्या हो गया, वो कम हो गए। अब देखिए तो मैं इसको फ्रीक्वेंसी को, ये देखिए अब यहाँ से मैं फ्रीक्वेंसी को कम कर रहा हूँ, यहाँ से मैं फ्रीक्वेंसी को कम की है, तो आप ये देखेंगे इसका टाइम पीरियड पे कितना असर पड़ गया है। अब मैं क्या करूँगा कि अगर मैं इसको सेलेक्टर से दोबारा ए पर लेकर आऊँगा तो ये आपके सामने जो साइकिल जो नज़र आ रहा है ये हो सकता है बढ़कर इस साइड पर आ जाए, ये देखिए कितनी चेंजिंग आ गई, यानी इतना फर्क पड़ा कि यानी फ्रीक्वेंसी की कम करने से टाइम पीरियड बढ़ रहा है, फ्रीक्वेंसी को ज़्यादा करने से टाइम पीरियड भी कम हो रहा है। अब क्या करते हैं, अब सेक्टर सी की तरफ आते हैं, सेक्टर सी की तरफ आते हैं, यहां पर ये देखें, ये देखें एक वक्त आ जाता है कि बिल्कुल ही आपकी फ्रीक्वेंसी जो है बिल्कुल नजर आना खत्म हो जाती है। इसी तरीके से आपके पास ये भी डी है, उसके बाद फिर ये ई है, ई पर आप ये देखें एम्पलीट्यूड भी कम हो गया आपका। अब क्या करेंगे तो एम्पलीट्यूड के लिहाज से आप इसको इस तरह से सेटिंग करेंगे, फिर यहां से आपका टाइम पीरियड फिर आप यहां से बढ़ा देंगे, ये देखें आप क्या करेंगे टाइम पीरियड को आप इधर से बढ़ा देंगे ये। अब ये देखिए कि ये जो हमारे पास जो टाइम पीरियड आया है यहाँ से मैक्सिमम तक है, क्योंकि यहाँ पर आपकी फ्रीक्वेंसी है 10 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर 3.5 तक की है, और जबकि हमारे पास जो ये ऑसिलोस्कोप जो है वो 20 मेगाहर्ट्ज़ का है, कितने का है 20 मेगाहर्ट्ज़ का। जाहिर बात है जब जो फ्रीक्वेंसी यहाँ तक आपकी आ रही है वो तो इसको मेजर कर रहा है, लेकिन इसके बाद ये देखिए यहाँ तक, इससे आगे जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है वो उसको जो है वो मेजर नहीं कर सका है, ठीक है, ये देखिए यहाँ तक। अब मैं क्या करता हूँ इसको यानी फाइन करने के लिए, ये
अब यहाँ चलिए देखिए ये फाइन बस यहाँ तक हो रहा है। अब अगर इसको मैं फाइन करता हूँ तो ये ज्यादा ज्यादा इसका एम्पलीट्यूड को बढ़ा, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि इसके ग्रेटी कूल के अंदर आपने इसको लेकर आना है, अगर बाद का कोई ऐसी चीज़ नहीं आती तो आप उसको ग्रेटी कूल में ले आएंगे। ठीक हो गया, ये आपका फाइन में आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब हमने एफ में जाते हैं, अब एफ में जाते हैं और इसका क्या हो गया, एम्पलीट्यूड कम हो गया क्योंकि हम इसकी फ्रीक्वेंसी को मेजर नहीं कर पा रहा, या से क्या है, या से स्कोप आपकी फ्रीक्वेंसी को मेजर नहीं कर पा रहा क्योंकि यहाँ से जो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है सबसे आखिरी आप देखेंगे वो है आपकी 32 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर 150 मेगाहर्ट्ज़ तक। तो 150 मेगाहर्ट्ज़ इसने मेजर क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारा जो ऑसिलोस्कोप जो है वो 20 मेगाहर्ट्ज़ का है, इस वजह से इस फ्रीक्वेंसी को मेजर नहीं कर। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं दोबारा लेकर आता हूँ, ये देखिए ये देखिए, अब दोबारा मैं लेकर आया हूँ ए के ऊपर, तो आप खुद देखेंगे कैसे उसने फ्रीक्वेंसी को मेजर कर लिया है, ये देखिए। तो ये है, यानी आपके पास जो आपका इंस्ट्रूमेंट है उस लिहाज से मिलेगा क्या करें कि आपने कितनी चीज़ों को मेजर करना है, कि उस लिहाज से यानी अब ये फ्रीक्वेंसी जो है इस लिहाज से आपको कहाँ से दे रहा है, यानी 100 किलो हर्ट्ज़ से लेकर आपके पास 150 मेगाहर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसी को ये जनरेट कर रहा है, और फिर ये जो लगातार कंटिन्यूसली नहीं है बल्कि ये आपको मुख्तलिफ स्टेप्स में ये आपको फ्रीक्वेंसी जनरेट करके दे रहा है, जिसमें ए भी है, आपका बी भी है, ये सी भी है, डी भी है, ई भी है और ये एफ है। तो ये आपकी सारी की सारी फ्रीक्वेंसी रेंज है, क्या है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी रेंज है, और ये आपको जो आपको ये जो आपके सामने स्केल बना हुआ है ये आपको स्केल बता रहा है कि आपने इसकी फ्रीक्वेंसी ए की फ्रीक्वेंसी यहाँ से लेकर यहाँ तक इतनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इतनी फ्रीक्वेंसी है, और दूसरी यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी फ्रीक्वेंसी है। तो ये आपका था आर एफ रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर, यानी बाद ऐसी जहाँ पर आ जाती है जहाँ पर कोई आपको एम्पलीफायर सर्किट बना रहे होते हैं वहाँ पर आपको रेडियो फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी के लिए आप क्या करते हैं, क्योंकि आपके पास इतना कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं होता जो आपको फ्रीक्वेंसी आपको वो करे, तो हमारे पास क्या होता है कि आरएफ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, हमारे पास एक ऐसा इक्विपमेंट है जो आपको जिसके मुताबिक जो फ्रीक्वेंसी है वो आपको दे रहा है, यानी मुताबिक ये कि आपको जितनी चाहिए कि आपको जिससे कि मैंने बताया ये 100 किलो हर्ट्ज़ से लेकर यानी आपको 200 किलो हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी चाहिए, 300 किलो हर्ट्ज़ की चाहिए, आपने एक एम्पलीफायर सर्किट बना दिया, एम्पलीफायर सर्किट क्या करेगा उस 150 किलो हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने में देखाएगा। तो ये चीज़ आपने उस पर मेजर करनी होती है। तो लिहाजा इंशाल्लाह जब हम अगले पीरियड में देखेंगे और उसके बाद अगला टॉपिक जो हम करेंगे कि ऑसिलेटर सर्किट को उसके ऊपर इनपुट देंगे और उसकी आउटपुट अप्लाई करके देखेंगे इंशाल्लाह। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।